हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें बहुत ही आसानी से। ट्रेन का टिकट की बात कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट ऑनलाइन तरीके से कैसे बुक करें। तो दोस्तों, मैं आपको चलिए सही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गूगल में ये दोस्तों टिकट आप अपने मोबाइल से भी बुक कर सकते हैं। आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल हो बस बुक कर सकते हैं। आप यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम, किसी भी ब्राउजर पे आप बुक कर सकते हैं। मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने मोबाइल पे भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको गूगल में टाइप करना है IRCTC, IRCTC टाइप करके सर्च कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो दिख रही है IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ये दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये वेबसाइट हम खुलने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट खुल गई। दोस्तों, टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी। यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ये भी बनाना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे यदि आपके पास यूजर आईडी है, पासवर्ड है। यूजर आईडी या पासवर्ड क्या होता है, आपको IRCTC की वेबसाइट पर सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, तब ये यूजर आईडी या पासवर्ड मिलता है। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। तो यूजर आईडी सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ। मैंने अपनी यूजर आईडी डाल दी और यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों, ये यू आई डी पासवर्ड के बाद यहाँ पे जो टाइप हेयर लिखा है, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ जो लिखा है टाइप इन द बॉक्स बिलो, जो 9LMNF लिखा है उसको यहाँ पे टाइप कर देना होगा। 9LMNF, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। आप चाहे तो रिक्वेस्ट OTP कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल पे OTP जाएगा तब लॉगिन होगा। आप सिंपली लॉगिन कर दीजिए, रिक्वेस्ट OTP भी आप कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे आप ये लॉगिन कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कोने में जो है, यहाँ देखिए ये कोने वाला, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें आपको ध्यान नहीं देना है, ये कोने में आपको देखना है। यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन, मान लीजिए जो भी स्टेशन आपको, फ्रॉम स्टेशन मतलब किस स्टेशन से आपको जाना है। तो मान लीजिए मुझे न्यू दिल्ली से जाना है, तो यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली DEL, तो यहाँ पे NDLS जो आगे न्यू दिल्ली NDLS। और टू स्टेशन मतलब कौन से स्टेशन तक जाना है, तो यहाँ पे टू स्टेशन में वो जो जिस स्टेशन तक जाना है वाला डालेंगे। मान लीजिए मुझे जाना है वाराणसी, तो यहाँ पे देखिए वाराणसी जंक्शन, ये देखिए आ गया। उसके बाद कब जाना है दोस्तों, यदि आप आज टिकट बुक कर रहे हैं तो आज से लेकर कभी भी 4 महीने के अंदर कोई भी डेट चुन सकते हैं। मान लीजिए हमें जाना है जनवरी में, अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच जितनी भी ट्रेनें यहाँ पे रहेंगी सब दिखा देगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो है नई दिल्ली के अलावा जो और स्टेशनों से चलती हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है फ्रॉम स्टेशन जो यहाँ पे आ गया, तो नई दिल्ली के अलावा आनंद विहार और दिल्ली से भी ट्रेनें यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो सारी ट्रेन नई दिल्ली से दिखा रहा है, तो जो जो NDLS है वो नई दिल्ली से है, बाकी चीज़ें आनंद विहार से दिखा रहा है। उसके बाद आप जो है जो नई दिल्ली से ट्रेन दिखा रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ट्रेन आपको जाना है जिस भी ट्रेन में, यहाँ पे देखिए सारी ट्रेन दी हुई है। अब यहाँ पे कैसे चेक करें कि किस ट्रेन में कितनी सीट खाली है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये लिखा है काशी एक्सप्रेस, तो यहाँ पे 1A का मतलब फर्स्ट AC, 2A का मतलब सेकेंड, 3A का मतलब थर्ड AC, स्लीपर का मतलब SL का मतलब स्लीपर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो स्लीपर की सीट बताएगा, और ए वाले पे क्लिक करेंगे तो उसकी सीट बताएगा। देखिए यहाँ पे अवेलेबल बताया है 212 सीट। मान लीजिए हम अब अवेलेबल वाले पे बुक नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ अवेलेबल के नीचे देखिए यहाँ पे 212 सीट यहाँ पे बता रहा है, 21 को 212 सीट, 22 को भी 210, 23 को 210, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो 20 को हमने सर्च किया तो 20 को अवेलेबल है, तो मैं बुक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, आप डेट एक बार जरूर देख लीजिएगा बुक करने से पहले। और कितना पैसा लगेगा सब यहाँ पे दिया है, देखिए बेस फेयर, रिजर्वेशन चार्ज, टोटल जो है 400 लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। जैसे यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल लीजिए, जैसे मैं डाल लेता हूँ राहुल, कोई भी नाम डाल सकते हैं। एज यहाँ पे 21, जो भी आपकी
जेंडर यहाँ पे मेल जो भी आपका हो, बर्थ प्रेफरेंस मतलब आप कोई भी बर्थ लेना चाहे, अपर लोअर मिडिल जो भी आप बर्थ यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे अपर मतलब ऊपर वाली सीट, मिडिल मतलब बीच वाली, मतलब ये सारी मान लीजिए मैं साइड पर। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, और इसके बाद सीधे से आपको अब बीच में कुछ नहीं करना है। बीच में ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, यहाँ पे चिल्ड्रेन वगैरह का है तो चिल्ड्रेन वगैरह का है, ये चिल्ड्रेन आपके पास हैं तो कर दीजिए, और ये देखिए सारी चीज़ें। उसके बाद ये हो गया, अब GST वगैरह छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल करना होगा जो 39 वाला दिख रहा है, यहाँ पे 39JEEF। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पे आपका नंबर भी डालना होता है, तो यहाँ पे यदि आप अपना दूसरे का नंबर डाला हुआ है तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए अगर नंबर बदलना है तो यहाँ पे नंबर बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, भीम के जरिए, UPI, डेबिट कार्ड विथ पिन के जरिए, नेट बैंकिंग से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मैं डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड यूम विथ पिन वाले से हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डेबिट कार्ड विथ पिन से यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बैंक्स आए हैं, इतने ही बैंक सिर्फ डेबिट कार्ड विथ पिन से हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज ये सब बैंक्स। उसके बाद आप बाकी सो है नेट बैंकिंग से होंगी। यहाँ पे मान लीजिए डेबिट कार्ड विथ पिन से मान लीजिए मेरी बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक या इंडियन बैंक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और 10 चार्ज 10 रुपये और चार्ज लगेगा। उसके बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ बैठे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड डायरेक्ट डेबिट, यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना पड़ेगा आपके डेबिट कार्ड का, यहाँ जो है मंथ, यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो वहाँ पे लिखी होती है, यहाँ पे कार्ड होल्डर के नाम, यहाँ पे पिन जो आपका पिन होता है जिससे आप डाल के पैसे निकालते हैं। इसके बाद ये चीज़ें ये वाली जो TU2S3 यहाँ पे करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों तो यहाँ पे पिन डालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि IRCT की वेबसाइट है, तो यहाँ पे कोई सेफ पेमेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके जो मोबाइल नंबर पर मैसेज आए, जिस तो आप मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा तो एक OTP आएगा तो डालना पड़ेगा, और फिर आपका जो है पेमेंट हो जाएगा और आपका टिकट फाइनल हो जाएगा। तो जैसे टिकट फाइनल हो जाएगा आपको एक स्क्रीन बन के आ जाएगी कि आपका टिकट फाइनल हो गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि एक जैसे मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूं, दोस्तों यहां पे एक होता है कि किन ATM का यहां पिन दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों यहां पे एक चीज़ ये होती है कि यदि आप भीम आपके पास नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड विथ पिन है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो ATM कार्ड है इनमें से किसी का नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग में तो ये सारी बैंक्स आ जाती हैं, और M-Visa है ये है, इसके बाद वॉलेट कैश कार्ड है, IRCT प्रीपेड है, IRCT ई वॉलेट है, पे ऑन डिलीवरी है, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे जो है लास्ट वाले पे अपना आपके लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे लिखा है पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ गई। वीजा वीजा मास्टर कार्ड यदि आपका है, आपका जो कार्ड है यदि वीजा या मास्टर कार्ड है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यदि वीजा या मास्टर कार्ड है तो किसी भी आप क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वीजा मास्टर कार्ड, यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड। तो यदि आपके पास वीजा मास्टर कार्ड है तो इन सब पाँचों में से, चारों में से ये और ये चारों में से कोई भी एक क्लिक कर सकते हैं, आपका पेमेंट हो जाएगा। यदि आपके पास रुपे कार्ड है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास वीजा या मास्टर कार्ड है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज लगेगा लगेगा, यहाँ पे दिया है कितना चार्ज लगेगा, 10-12 रुपये लगता है। फिर यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए योर नेम, उसके बाद अपना नेम डाल दीजिए, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड डालिएगा, यहाँ पे वीजा है कि मास्टर कार्ड क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए मेरा वीजा है। उसके बाद अपना यहाँ पे कार्ड के, यहाँ पे नेम वही डालिएगा जिस पे आप, जो आपके कार्ड पे नाम है, जो आपके कार्ड पे है यहाँ पे वही डालिएगा। उसके बाद कार्ड नंबर यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे उसके बाद ये सारी चीज़ें, यहाँ पे CVV डालिएगा, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, यहाँ पे CVV, और पे पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। कई लोग वीजा और मास्टर कार्ड में फंस जाते हैं, तो आप जो है यदि आपके पास ATM डेबिट कार्ड है मतलब पिन वाला, तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे सारी कोई भी बैंक का आपका ATM हो सारी बैंक का ले लेता है, और यहाँ पे सिर्फ 3-4 बैंकें होती हैं तो यहाँ पे सारी बैंक का ले लेता है। तो मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।